हेलो किड्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ब्यूटिफुलटिक प्लांट नोन बाई द नेम ऑफ वॉटरली बच्चा पार्टी आप सभी जिस सुंदर से पौधे को अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक एक्वाटिक प्लांट है मीन्स इट ग्रोज इन वाटर और कॉमनली बेटा इसको वाटर हायसिंट के नाम से जाना जाता है बट इट्स साइंटिफिक नेम इज आप सभी जानते हैं दैट ईच एंड एवरी स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल हैज गिवन अ सर्टन साइंटिफिक नेम आपको कारण भी पता है क्यों इनको साइंटिफिक नेम अलग से दिया जाता है तो वैसे ही बच्चा वाटर हायसिंथ का भी साइंटिफिक नेम दूसरा है दैट इज एकॉर्निया क्रेसिपिस एज यू कैन सी योर सेल्फ दिस प्लांट इज एक्सट्रीमली ऑर्नामेंटल वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एमजॉन रिवर बेसन इन साउथ अमेरिका बेटा ये खूबसूरत सा पौधा जो है इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये शुरू शुरू में ओरिजिनली जो है साउथ अमेरिका में एमेजॉन रेन फॉरेस्ट में एमेजॉन रिवर का जो बेसिन है वहां पर मिलता था वहां पर ही ये ग्रो करता था बट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली इन्वेजिव नेचर इन्वेजिव नेचर कहने का क्या मतलब है इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव मतलब इसको बेटा जस्ट वाटर बॉडी में भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे ये फटाक से मल्टीप्लाई करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट विल कवर द होल वाटर बॉडी तो अपने इसी कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से बेटा नाउ दिस ब्यूटिफुल प्लांट इज फाउंड अक्रॉस वॉटर बॉडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये पूरी दुनिया में बेटा पाए जाते हैं

तो दूसरी जो अक्वेटिक वहां पर लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा नॉट ओनली दिस बट इट ऑल्सो स्टॉप सनलाइट रीचिंग अंडर लेयर्स ऑफ वाटर बेटा अगर ये वाटर के सरफेस को इस तरह से पूरा कवर कर देगा तो सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा तो नीचे जो लाइफ फॉर्म्स है उनको सनलाइट कहां से मिलेगा ये सारा ऑक्सीजन भी जो है बेटा ये ले लेता है जिसकी वजह से वाटर बॉडी से ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो भी कम हो जाता है डेट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इट इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बेंगाल क्योंकि बेंगाल में बिहार में झारखंड में भी वाटर बॉडीज में ये पूरी तरीके से बेटा आपको छाए हुए मिलेंगे दिस इज अ वेरी कॉमन साइट